हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। डरपोक तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब तक नहीं रुकते जब तक वह जीत नहीं जाते हैं। कोवार्ड्स स्टॉप व्हेन ट्राइड, बट द विनर डज नॉट स्टॉप अंटिल दे विन। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी CIPET कर दिया है, वर्तमान केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? रिसेंटली सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET हैज बीन renamed as Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology CIPET, who is the current Union Minister of Chemicals and Fertilizers? तो गाइस, ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, अर्जुन मुंडा, DV सदानंद गौड़ा, महेंद्र नाथ पांडे। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है DV सदानंद गौड़ा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET कर दिया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। नेम द पर्सन हु हैज बीन अनाउंस्ड टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ JP मॉर्गन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ऑप्शन है कैरोल फेरेंड, सिरिल गार्गिया, अनिबान बोस, लियो पुई। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है लियो पुई। लियो पुरी को JP मॉर्गन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के HIV शोधकर्ता का नाम बताइए जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में डरबन स्थित सेंटर फॉर द एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च में उनके काम के लिए क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेम द साउथ अफ्रीकन HIV रिसर्चर हु हैज बीन अवार्डेड द क्रिस्टोफ मैरियक्स प्राइज फॉर द वर्क एट द सेंटर फॉर द एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन दुर्बन साउथ अफ्रीका। ऑप्शन है क्वेरेसा अब्दुल करीम, प्रिसिला बेकर, हिमला सुदयाल, मरीना जोबर्ट। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर है क्वेरेसी अब्दुल करीम। दक्षिण अफ्रीकी एचआईवी शोधकर्ता क्वेरेसा अब्दुल करीम को दक्षिण अफ्रीका में डरबन स्थित सेंटर फॉर द एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च के लिए उनके काम के लिए क्रिस्टोफ मैरी एक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पैन PAN के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ औपचारिक रूप से किया गया है। PAN का पूरा नाम है द फैसिलिटी फॉर इमीडिएट एलोकेशन ऑफ PAN हैज बीन फॉर्मली लॉन्च्ड बाय निर्मला सीतारमण यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर। द फुल नेम ऑफ PAN इज, ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, प्रोविजनल अकाउंट नंबर, प्रोटेक्टेड अकाउंट नंबर। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर PAN के तत्काल आवंटन की सुविधा केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा औपचारिक रूप से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष डैश को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA डैश हैज बीन इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ द ओलंपिक चैनल कमीशन। ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, नरेंद्र बत्रा, सुशील कुमार, किरेन रिजिजू। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है नरेंद्र बत्रा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग से सदस्य के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना गठन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। ऑप्शन है 11 जुलाई, 11 जुलाई, 2 जून, 2 जून, 25 मई, 25 मई, 10 मई, 10 अप्रैल। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 2 जून, 2 जून। तेलंगाना भारत का 29वां और सबसे छोटा राज्य है। हर साल तेलंगाना राज्य 2 जून को स्थापना दिवस को भव्यता के साथ मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी प्रमुख कैप जेमिनी समूह का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बना है। नेम द पर्सन हु बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO फॉर द कैपजेमिनी ग्रुप फॉर फ्रेंच टेक्नोलॉजी मेजर। ऑप्शन है आद्रे सिचोवाल, जिन क्रेमोस, डोमिनिक सेरुटी, एमआर इज्जत। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर है ऐमान इज्जत, फ्रांसीसी उद्योगी की प्रमुख कैंप जेमिनी समूह के नए मुख्य अधिकारी सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी और भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड ए डॉलर 177 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऑप्शन है महाराष्ट्र, चेन्नई, दिल्ली, विशाखापट्टनम। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी और भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए डॉलर 177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। दी 22nd मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी हेल्ड इन न्यू दिल्ली वाज चेयर्ड बाय। ऑप्शन है अमित शाह, निर्मला सीतारमण, रामविलास पासवान, शक्तिकांता दास। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी की 22वीं बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बनने के साथ साथ केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी है। Name the person who is also the first woman IPS officer of Kerala to become the first woman to become Director General of Police of Kerala. Option है Asha Sinha, Letika Sharan, R. Shrilekha, Mamta Soda. तो guys बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई है। जब वे पुलिस महानिदेशक डीजीपी पद पर पहुंची, जब उन्हें महानिदेशक अग्नि और बचाव विभाग के रूप में पदोन्नत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे आईटी प्रमुख विप्रो ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया है। नेम द पर्सन whom आईटी चीफ विप्रो हैज अपॉइंटेड एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी। ऑप्शन है थियरी डेलापोर्ट,
ऋषद प्रेम जी, अरुंधति भट्टाचार्य, विलियम आर्थर ओवेन्स। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है थियरी डेलापोर्ट। थियरी डेलापोर्ट को आईटी प्रमुख विप्रो ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निर्देशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।